नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पॉप 8 वर्सेस Xiaomi Redmi 12 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो पॉप 8 में 6.44 इंच जबकि Redmi 12 5G में 6.64 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो पॉप 8 में 2.98 इंच जबकि Redmi 12 5G में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो पॉप 8 में 0.34 इंच जबकि Redmi 12 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो पॉप 8 में 186 ग्राम्स जबकि Redmi 12 5G में 199 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि पॉप 8 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो पॉप 8 में 20:1:9 जबकि Redmi 12 5G में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पॉप 8 में 6.56 इंचेस जबकि Redmi 12 5G में 6.79 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन पॉप 8 में 720x1612 और Redmi 12 5G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पॉप 8 में 83.96% जबकि Redmi 12 5G में 85.35% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो पॉप 8 में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi 12 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पॉप 8 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 12 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पॉप 8 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 12 5G की बात करें तो उसमें 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो पॉप 8 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi 12 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पॉप 8 में माली G57 जबकि Redmi 12 5G में Adreno 613 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पॉप 8 में Unisoc T606 और Redmi 12 5G में Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 मिलता है। बात करें RAM की तो पॉप 8 में 4GB की RAM मिलती है जबकि Redmi 12 5G में 0 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पॉप 8 में 64GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Redmi 12 5G में 0 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पॉप 8 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 6,990 रुपीस में मिल जाता है और बात करें Redmi 12 5G की तो वो 11,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो टेक्नो पॉप 8 में 4 फायदे और 8 नुकसान देखने को मिलता है।
जबकि बात करें Xiaomi Redmi 12 5G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 12 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi 12 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 12 है, दूसरा Moto G 14 है, तीसरा Oppo A58 4G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme Narzo 60X 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।